प्रेस क्लब की प्रबंध कारिणी के साथ ही आ जाए, मंच पे आ जाए, जल्दी आ जाए प्लीज। अभिषेक जी, संजय त्रिपाठी जी, प्रवीण बरनाले जी, अभय तिवारी जी, राहुल बाबीकर जी, विपिन कुमार जी, बरनाले जाओ मेरे साथ, आओ इधर दीपक, आ जाओ इधर, आओ विपिन जी, आ जाओ आप, ये दो, ये तो खैर हम आपके शिष्यों इतनी पुनीत पवित्र भूमि पर आप लोग रह रहे हैं। शिव कृपा से प्रेस क्लब के आदरणीय अध्यक्ष महोदय तिवारी जी को बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी ने अपने जीवन काल के अंतर्गत बहुत सारे इंटरव्यू भी लिए होंगे और बहुत से लोगों का सामना आपके सम्मुख है। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रिय भी पत्रकार ही होते हैं और लोगों को अगर सबसे ज़्यादा कोई मार्ग प्रशस्त करने वाले होते हैं तो वो भी पत्रकार ही होते हैं। उनकी कलम में वो दम होती है कि उस एक कलम के माध्यम से वो संपूर्ण राष्ट्र को हिलाने की भी सामर्थ्यता रखते हैं। एक प्रसन्नता मुझे यहाँ पर जो दिख रही है वो प्रसन्नता मुझे कहीं नजर नहीं आई, पत्रकारों की एकता मुझे यहाँ नजर आई। जो कहीं जगह पर हम जाते हैं, ऐसा नहीं यूपी हो चाहे महाराष्ट्र हो जहाँ पर भी, परंतु सब विभाजित रहे, पर यहाँ पर जो देखने को मिला है इस प्रेस क्लब में वास्तवता है कि इंदौर में ये प्रेस क्लब देखा, मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ, जैसे अरविंद तिवारी जी ने भी बोला नहीं आना होता, पर यहाँ पहली बार आया, पर खुशी इस बात की हुई कि कहीं पत्रकारों को बैठने का भी कोई स्थान शासन प्रशासन ने या भले किसी भी रूप में है, पर बैठने का एक स्थान है, हमारा भी एक बल है, वो एक आनंद का विषय। आप सभी ने शिव महापुराण के माध्यम से बहुत सी बातें तो श्रवण कर रखी है। जीने का सबसे मूल आदरणीय तिवारी जी बोल रहे थे, तो मैं यही कहूँगा जिंदगी में उतार चढ़ाव तो बहुत आते हैं। आज भी कथा में था कि जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है हमारा जीवन काल है, यही संसार में रहना है और यही संसार में जीना। भगवान राम से, भगवान शिव से, भगवान कृष्ण से, भगवान महावीर से, भगवान गौतम बुद्ध से, चाहे हमारे राष्ट्र के जितने संत रहे हैं, उनसे हमने एक चीज सीखना है कि उनके चेहरे की स्माइल, उनके चेहरे की प्रसन्नता कभी समाप्त नहीं। वन वन राम जी डोले तो भी इसके बाद भी उनके चेहरे पर प्रसन्नता ही बनी। भगवान कृष्ण को सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा, मथुरा वृंदावन गोकुल, फिर भी चेहरे पर प्रसन्नता बनी रही। जीवन में ऐसे बहुत पड़ाव आते हैं जिस समय पर हमको दुख भी सम्मुख में खड़ा हो जाता है, परंतु उस समय पर भी हमको हमारा बल, हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता हमको बल प्रदान करती है। वैसे तो माहिल्या की पावन धरा है, माता हिल्या हमको खुशी प्रदान करती हैं कि जब पूर्ण परिवार ही चले जाता है तब अकेली बलवान होकर हाथ में शिव को साथ में लेकर और शंकर जी के प्रति विश्वास लेकर आगे बढ़ती हैं तो संपूर्ण राष्ट्र पर विजय प्राप्त करती है। और मेरा विश्वास करता है कि आपके चेहरे की प्रसन्नता, आपकी स्माइल, आपका आनंद आपको हर जगह पर प्रसन्नता और हर जगह पर आपको बल प्रदान करता रहेगा। जिस दिन हमको ऐसा लगता है कि आज बहुत दुख है, उस दिन भी हम अगर मुस्कुराना सीख जाएंगे तो ये निश्चितता है कि हमको संसार में फिर कोई रोक नहीं सकता, हमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमें दूसरे पर नहीं हंसना, हमें अपने आप में ही आनंद की अनुभूति करना, अपने आप में ही आनंद में रहना। तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं को, प्रेस क्लब के सभी जितने भी साथी बंधु हैं उनको सबको नमन करते हुए, आप सब माहिल्या की गोद के हैं, माता की गोद में खेल रहे हैं, आपको नमन करता हूँ। कि क्राइम को प्रशासन कभी नहीं रोक सकता, सरकार कभी नहीं रोक सकती। क्राइम को अगर रोकेंगे तो हमारे संस्कार रोकेंगे, हम बच्चों को जो संस्कार देंगे वही रोक सकते हैं, पर आने वाली जो पीढ़ी है उसको तो रोक सकते हैं, परंतु जो नवयुवक हैं उनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमको वास्तवता है कि सत्संग और संकीर्तन की जरूरत है, उनको सही मार्ग की जरूरत है। आडंबर की नहीं कि आपको कहीं जादू टोना करना है या कोई विद्या करना, उस आडंबर की जरूरत आज की नवयुवक टीम को नहीं चाहिए। आज की नवयुवक टीम को चाहिए केवल मार्गदर्शन।
और अगर अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए, अच्छा मित्र मिल जाए, अच्छा सखा मिल जाए और अच्छे लोग प्राप्त हो जाए तो निश्चित है कि वो गलत संगत से निकल कर अच्छी संगत में आ जाए। अभिषेक गुरु जी गणित पर मेरा एक आपसे प्रश्न कम आग्रह ज्यादा है कि कथा स्थल में देखता हूँ कि 6-6 महीने के बच्चे लेकर महिलाएं आती हैं, तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि उन बच्चों के लिए या तो जो छोटे बच्चे लेकर आते हैं उनके लिए कोई अलग बेटर व्यवस्था हो जाए, या आप मंच से आप बोलेंगे तो उनको ज्यादा समझ में आएगा कि जो छोटे बच्चे जो लेके आते हैं वो घर से ही टीवी पे कथा सुने ताकि कभी भविष्य में कोई भी घटना दुर्घटना ना हो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात की है, उत्तम उत्तम, और आपने अच्छा मार्गदर्शन दिया है। आने वाले समय में वास्तवता है कि ये सब होना भी चाहिए। उत्तम के बाद निशिकांत मंडलोई जी पीछे हैं। पंडित जी मेरे एक छोटा सा प्रश्न है, जितनी आपकी लोकप्रियता उतनी आपकी आलोचना भी होती है, इस बारे में आपके कहते हैं। बहुत अच्छी बात है ना, उसमें एक आलोचना। ठीक है, बाबा की मर्जी है, ये तो बाबा के आशीर्वाद है। पीछे निशिकांत जी। श्री शिवाय नमस्तोत्रम गुरु जी। श्री शिवाय नमस्तोत्रम। पूछना तो कुछ भी नहीं है, आप तो सभी कुछ व्यासपीठ से प्रसारित कर ही देते हैं, लेकिन मेरा भी ऐसा मानना है कि हम लोग सब हनुमान हैं, पता नहीं कौन सा जामवंत आके हमको जगा जाए, बस इतना ही बोलना है मुझे। जय हो, जय हो। चलो जीतू माइक लाओ, जीतू माइक लाओ, एक कन्हैया, उसके बाद अमित सालगढ़। पटी जी नमस्कार, मैं प्रजापत अखबार से नहीं आया। तो पटी जी देखने में आता है हिंदू समाज देखे अपना, मुस्लिम वर्ग देखे, मुस्लिम वर्ग जो होता है कि अपने बच्चों को बचपन से उनके धर्म स्थानों पर जाने के लिए तामील देता है, संस्कार देता है। सिखों को देख ले तो वो गुरुद्वारे में जाने के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं। हिंदू वर्ग अपना जो है बच्चों को मॉल में ले जाएगा, शॉपिंग कराएगा, घूमने फिरने पिकनिक स्पॉट, दूसरी चीजें क्यों नहीं है। शुरू से ही बच्चे जब उस एज में हो कि उनको भक्ति के लिए अग्रसर कर दे, बता दे या उनको एक संस्कार के रूप में दे दे, क्या कारण है कि कहां कमी रह जाती है कि हमारे जो हमारा जो वर्ग है वो नहीं समझ पा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं बच्चों को माता पिता ये विचार करते हैं कि केवल हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को या स्कूल में जो ज्ञान दिया जा रहा है उसी से बच्चा विद्वान हो जाएगा। उससे बच्चा विद्वान तो हो जाएगा, आज कथा में था, पर विद्यावान नहीं हो पाएगा। विद्वान में पढ़ता जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, अभिमान आता जाएगा, वो कोई आने वाले समय उनके लिए फिर वो मंदिर या देवालय नहीं जाएगा। पर माता पिता का मूल तत्व ये होना चाहिए कि किसी भी रूप में बच्चा एक सेकंड के लिए जाए पर भगवान के द्वार पर जाए, प्रणाम करे, नमन करे। अगर वो प्रणाम कर रहा है तो निश्चित है कि आने वाले समय में माता पिता को किसी वृद्धाश्रम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बच्चा उनको संभाल। लौटी जी। पंडित जी आप अंतरराष्ट्रीय ख्याति अर्जित कर चुके हैं और ख्याति ही खौफ का कारण भी बनती है, क्या आपको कभी ऐसा डर लगता है कि मेरी इतनी ख्याति है कभी कुछ अनायास कुछ हो जाए, कुछ ऐसा मन में विचार आता है? भय तो केवल एक ही रहता है कि जो भक्त लोग यहाँ आते हैं, मूल चीज सबसे मूल, हम संजय भैया भी जब सीहोर आए थे कथा लेने के लिए, हमने उनसे एक ही बात कही थी कि संजय भैया जितने भी भक्त लोग आए उनका सबका आनंद हो, सबको बैठने की उचित व्यवस्था के आनंद हो। और बाबा की कृपा रही, इनकी पूरी टीम ने बहुत व्यवस्था करी, मतलब ज्यादा से ज्यादा जितनी व्यवस्था कर सकते थे संजय भैया टीम ने बहुत करी। बस यही एक भाव रहता है कि जो आया है वो अच्छे से जाए, यही एक आनंद है। चलो अभय जी। पहले तो हम किस अमित सालगढ़ पंथ से जुड़ रहे हैं, जैसे हमारा ब्रह्म संबंध गोवर्धनाथ मंदिर लाला स्पीटी विठलेश राय काका जी महाराज गोस्वामी उनसे रहा है, तो हमारा ब्रह्म संबंध का एक क्रम रहता है पुष्टि मार्ग का। ठाकुर जी के सामने खड़े होकर ठाकुर जी को तुलसी अर्पित कर भगवान से अपने हृदय की बात मंत्र का भाव कहा जाता है। उसी तरह गुरु दीक्षा में सबका, गुरुओं का अपना अपने क्रम रहता है कि वो किस तरह से गुरु दीक्षा देते हैं। कोई एकांत में गुरु दीक्षा देता है, कोई सामूहिक रूप से देता है, कोई भगवान की साक्षी में मंत्र देता है। तो जब हम परमात्मा की साक्षी में गुरु दीक्षा लेते हैं तो उसका एक आनंद ये हो जाता है कि हम भगवान के प्रति समर्पित होकर भगवान हमारा। चलिए अमित। अरे ऐसे बोल दो आप तो। क्या वजह है कि जो राजनीतिक जो बड़े नेता हैं वो जो राजनीति है वो आपके चरणों में आ रही है बार बार, राहुल गांधी की भारत यात्रा में देख के आपका क्या जबरदस्त भारत बोल रहे राजनीति रवि रत्नाकर किसी कथाकार के चरणों में या ऐसा तो नहीं है, पर
धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म को शुरू से चला। दशरथ जी महाराज के समय पर भी गुरु साथ में बैठते थे, जनक जी के समय पर भी गुरु साथ में बैठते थे। तो ये तो एक निरंतर का भाव है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जहाँ धर्म है वहाँ राजनीति रहती ही, और राजनीति जो है वहाँ धर्म थोड़ा रहता ही है। तो ये तो क्रम सदा से चला आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि राजनेता हम किसी कथा में नहीं पहुँचते या हमारी कथा में ज़्यादा आ रहा है, ऐसा भी नहीं है। सभी कथाओं में लगभग लगभग जाते हैं, और पूर्व में भी जो बड़े बड़े संत साधु गुरुजन रहे हैं उनके चरणों में भी वो जाके बैठे हैं, हम तो केवल उनकी रज हैं। चलिए रवि रत्नाकर, अब दो तीन सवाल हो पाएंगे। रवि रत्नाकर, तो वो मंदिर तक पहुंचाने के लिए मैंने तो आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा, बड़ी संख्या में लोग अब मंदिर जाने लगे। सवाल के पहला संत और कथाकार में अंतर जानना चाहता हूं मैं। दूसरा कि जो मैं, अरे माइक रख दो, आप खड़े होकर ऐसे पूछ लो यार। बिल्कुल जरूरी हो तो उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकर माटी से पड़े। परमात्मा के आगे कोई बड़ा छोटा नहीं होता, उसके सम्मुख में तो जब आप तिरुपति अगर गए होंगे तो तिरुमाला में 500 का भी एक कूपन मिलता है, 1000 का भी कूपन मिलता है, 10000 का भी मिलता है, और एक 50 रुपये का भी मिलता है। धर्म की लाइन भी लगती है। जब मंदिर के अंदर प्रवेश कराया जाता है तो 50 वाला, 100 वाला, 500 वाला और फ्री वाला सब एक हो जाते हैं उनके दरवाजे पर पहुंचते हुए। उसी तरह परमात्मा के द्वार पर कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। जैसे हमने गुलाब जामुन खाई, दही बड़ा खाया, रसगुल्ला खाया, गया तो पेट नहीं, चाहे तुम 500 देकर गए, चाहे 100 देकर गए, पर गए तो परमात्मा के सामने ही हो। पर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जब हम पैसे देकर अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारे भीतर थोड़ा अहंकार प्रकट हो जाता है, और जब हम धर्म की लाइन में धक्का लगाकर पहुंचते हैं तो और विश्वास बढ़ जाता है कि मुझे भगवान का दर्शन हुआ। तो अहंकार प्राप्त हो उससे अच्छा है कि धर्म की लाइन में पहुंचकर आप भगवान का दर्शन। लोकेन जी के बाद राजा शर्मा जल्दी। हम लोग जानना चाहते हैं कि कथा कब से कर रहे हैं, उसके पहले आप क्या करते थे, क्या बैकग्राउंड? 1999 में पहली कथा करी है गोपी किशन जी चांडक के यहाँ, गीताबाई पारेश्वर, एक ब्राह्मण, उनके पति शांत हो गए थे। तो उस समय पर ऐसा था कि कोई शांत हो जाता था तो भागवत सुनाते थे तो उसकी मुक्ति हो जाती है, ऐसा वर्णन किया जाता है। तो उनके पास में कोई था नहीं, तो उन्होंने हमसे ही, उस समय तो पढ़ाई ही कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारे पति के निमित्त आप कथा कर दीजिए। हमने कहा ठीक है, पर हमको धोती बांधना नहीं आती। तो माँ खुद की धोती उसके पति की लेकर आती थी, हमारे बांधती थी। तो उन्होंने कहा कि बिना गुरु के कथा नहीं बांट सकते। फिर वही हमको लेकर यहाँ गोवर्धननाथ मंदिर आई हैं, और यहाँ ब्रह्म संबंध कराकर पहली कथा उन्होंने गोपी किशन चांडक जी के यहाँ कराई है। उस समय पर वो रोटी बनाने का काम करती थी, हम भी पढ़ाई करते थे, मित्रों की थोड़ी किताब मिल जाती थी उससे पढ़ लेते थे। तो यही जीवन चलता रहा और बाबा ने यहाँ लाकर छोड़ा। चलिए राजा शर्मा जी।